हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं फैसल। और अभी की वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की सेंचुरी पे है, क्योंकि 50 सेंचुरियां बन चुकी हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी टूट चुका है और बड़ा प्लेयर बड़े मैच में ही पता चलता है कि कौन बड़ा है। इसी पे पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इनको विराट कोहली कैसा लगता है और इस सेंचुरी पे इनका क्या रिएक्शन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कितने खुश हैं विराट कोहली, क्योंकि आज क्रिकेट फैन खुश है, चाहे वो किसी कंट्री का भी क्यों नहीं। क्या कहना चाहेंगे? 50 विराट कोहली आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है और मैं अकेला नहीं, शायद के बहुत से यहाँ पे लोग होंगे जो उसके फैन होंगे। और मैं कहता हूँ इससे बेहतरीन क्रिकेट मैंने नहीं कभी देखी जितनी वो खेल चुका हुआ है। ठीक है, और अभी खेल भी रहा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे विराट कोहली की सेंचुरी पे, क्या कहना चाहोगे? आपको लगता है बहुत ज्यादा खुशी होगी, आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा, जिस तरह का वो प्लेयर है और बड़े मैच में बड़े प्लेयर को पता चलता है कि बहुत अच्छा खेला है और ऐसा प्लेयर बहुत ही सदियों बाद, या आप कहते हैं बड़ी देर बाद आता है, बड़ी देर बाद सचिन तेंदुलकर था, उसके बाद अब है, उसने उसी का रिकॉर्ड तोड़ा है। बहुत अच्छा वाली प्लेयर। सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि मेरा रिकॉर्ड या तो रोहित तोड़ेगा या तो विराट कोहली तोड़ेगा, लेकिन विराट कोहली ने तोड़ दिया। देखा ना, उनको भी पता था कि उन्होंने अपने दौर में कहा था कि वो कैसा है, उन्होंने अच्छी बात की थी और आज उसने अपना वो करके दिखाया कि बहुत अच्छा खेला। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे सेंचुरी पे? जैसे बैटिंग किया था 100 बनता था उसका, 100 बनता था, अच्छा प्लेयर है और वर्ल्ड कप खेलने चाहिए। फिटनेस पे आ, फिटनेस रहेगी, फिट तो वो बहुत है। अच्छा, और लोगों के पास आते हैं, विराट कोहली का फैन एक और हमारे पास मौजूद है, इससे पूछते हैं कि विराट कोहली ने आज 50-100 कर दिए, बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए आज विराट फैंस के लिए ये एक जो है कॉन्ग्रेचुलेशन है और खुशी का मौका, क्योंकि विराट ने और भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो 100 सेंचुरी है भी विराट तोड़ेगा। 100 सेंचुरियों वाला भी। आप कितने बड़े फैन हैं? मैं बहुत ज्यादा फैन हूं। बहुत बड़े फैन है, तो एज अ फैन विराट कोहली अगर ये वीडियो देखे तो क्या कहना चाहोगे? विराट भाई इसी तरह लगे रहे, तोड़े रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े, रिकॉर्ड तोड़े। अच्छा जी, और कुछ लोगों से बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे विराट कोहली की 50-100? वो अच्छा बैट्समैन भाई जान, उसने अपनी यानी के अच्छी प्रैक्टिस की है, अच्छा स्कोर किया उसने। अच्छा, नॉर्मल मैच होता है, आज का मैच बहुत बड़ा मैच है, आज सेमीफाइनल है, फिर आगे फाइनल होगा, तो सेमीफाइनल और फाइनल में इस तरह का 100 करना और फिर मैच जितवाना, मतलब कितना ये एक बड़े मैच के लिए प्राउड मोमेंट होता है बड़े प्लेयर के लिए। भाईजान वो बड़ा प्लेयर है और जाहिर बात है उसका टाइम चला हुआ है और वो स्कोर कर रहा, तो अगर ये ऐसे ही स्कोर करता रहा जाहिर बात है फाइनल में भी ये मेन प्लेयर होकर सामने आएगा। मतलब कि 2023 का वर्ल्ड कप आखिरी होना चाहिए या 27 तक जाना चाहिए, क्या कहते हैं? रिटायरमेंट लेनी चाहिए? फिटनेस तो है इसकी, फिटनेस तो अभी तक उसकी कोई बीट नहीं कर पाया। जैसे अब हमारा ये मोहम्मद हफीज 41-42 साल तक खेलता रहा, शुएब मलिक है नहीं लगता, तो इसी तरह ये है कि खेलेगा मेरा अंदाजा है कि लगता है। आपका दिल क्या कह रहा है, खेलना चाहिए या नहीं? सर देखें, लोग उसे देखते हैं और लोग जिसे देखते हैं उसे चाहिए कि वो खेले। अब जैसे ये बहुत बड़े फैन है उनके, हम मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आप मुझे फैन लग रहे हैं, हम तो हैं अच्छी क्रिकेट के फैन, वो कोई भी खेलेगा। सर अब शुभम गिल का भी फैन बन गया, वो बड़े मैच में अच्छा खेल गया, वो यंग ब्लड है और जिस तरह उभर के सामने है देख उसकी भी तारीफ है। शुभमन गिल हो गया, केएल राहुल, श्रेयस आज बहुत अच्छा खेल रहा है, श्रेयस अय्यर हर मैच में बहुत अच्छा कर रहा है और हम उसकी बात बहुत कम कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं क्योंकि वो परफॉर्म करके दे रहा है। विराट कोहली जो वो तो ओवरऑल मतलब वो आज से थोड़ी है, उसका एक एक्सपीरियंस लेके वो चल रहा है, कुछ ब्रांड है, वो तो ब्रांड बन चुका है ना। अब जो दूसरे नए प्लेयर्स आए हैं हमें उन्हें भी जरा अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जारी सी बात है श्रेयस अय्यर की लोग बड़े कम बात कर रहे हैं, हालांकि वो हर मैच में परफॉर्म 70-75 70-80 75 कर रहा है। लोग अभी उसे जानते नहीं है। कोहली भी अगर नया प्लेयर होता तो शायद उसे भी कोई ना जानते, उसे भी 10-12 साल हो गया, ज्यादा अरसा हो गया इसे, अच्छी क्रिकेट खेल रहा है वो। अच्छा, कोई और छोटा फैन या कोई विराट कोहली के लिए आखिरी मेरा सवाल ये है कि कोई एक एक लाइन में मैसेज देना चाहो तो एक एक लाइन मैसेज कोई मैसेज है विराट पे बस लगे रहे रिकॉर्ड बस लगे रहो लगे रहो आपका कोई मैसेज है कोई इम्पोर्टेंट मैसेज ये एक और विराट कोहली के फैन आ गए हैं। जी विराट कोहली के फैन मुझे ये बताए कि सेंचुरी कर दी सेमीफाइनल में, क्या कहना चाहोगे? अपने आप को विराट कोहली जैसा प्लेयर बनाना चाहोगे, जैसे वो इंडिया के लिए करता है पाकिस्तान के लिए करोगे? अच्छा, क्या करते हो, बैटर हो, बॉलर हो? ऑलराउंडर हो। अच्छा, तो क्या पाकिस्तान टीम में जाओगे, कोई है प्लान श्लान? इंशाल्लाह जाएगा। विराट कोहली के लिए कोई मैसेज दे दे अगर वो जो छोटे से फैन की वीडियो देख रहा हो तो, कोई प्यारा मैसेज दे दो विराट कोहली को, समझो आपके सामने है। हेल्पफुल लगा दिए, लंबी क्रिकेट खेलो यार, उसे बोलो क्रिकेट खेलो।
क्या कहना चाहोगे? लंबी क्रिकेट खेलो और अच्छी खेलो। ये था एक नन्हे से फैन का मैसेज विराट कोहली के लिए। और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए। इधर से रहो, इधर ही रहो। हाँ जी, कैसे हो बिलाल? ठीक हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, विराट कोहली के आप बहुत बड़े फैन हो, इंडियन टीम के भी फैन हो, क्या कहना चाहोगे? आज 100 लगा दिया है फिर से और 50 सेंचुरियां का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी ऐसे तोड़ेगा, आगे भी तोड़ेगा सेंचुरी, आगे भी तोड़ेगा जी, सेमीफाइनल में भी ये जीतेगा इंडिया। अच्छा, आपको पता है कि आपको इंडिया में और पाकिस्तान में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आपका बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि ये बिलाल जो बच्चा है बहुत अच्छा बोलता है और बड़ा पॉजिटिव बोलता है, क्या कहना चाहोगे अपने देखने वालों को? ये इनको मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान और वैसे भी पाकिस्तान को बाहर कर दिया। हाँ, हम तो हो गए ही बाहर, हम तो बाहर ही रहेंगे, हम कौन सा मैच में निकलेंगे। हमारी टीम सही नहीं है, हमारी टीम सही नहीं है, हमें विराट कोहली जैसे प्लेयरों से सीखना पड़ेगा कि कैसे वो खेलते हैं, कैसे हमें खेलना चाहिए। इंडिया ही जीतेगी और कौन? इंडिया फाइनल जीत जाए, सेमी भी जीत जाएगी और फाइनल भी जीत जाएगी। फाइनल भी जीतेगा, ये प्रेडिक्शन है 100%। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत शुक्रिया।